नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वी 90.8 एफएम और आज महिला दिवस और महिला दिवस पर विशेष रूप से हमने आमंत्रित किया है हमारे लोकप्रिय विधायक, कवि, साहित्यकार, रचनाकार, लेखक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री योगेश्वर गर्ग। सबसे पहले तो गर्ग साहब, आपका हमारे इस स्टूडियो में स्वागत। नमस्कार रेडियो वी 90.8 एफएम के सारे श्रोताओं को। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और महिलाओं के लिए कामदान कल्पित की पंक्ति मुझे याद आई के काम पड़िया हर नार झांसी रानी है और मर्यादा कुल लाजरे अमर निशानी है, घुरता घोर निशान हुआ अगवानी है, नर से मृत मजबूत पगा में पानी है और हंसता हंसता शीश सौंप दे बादशाह। तो महिलाओं का तो बहुत बड़ा सम्मान रहा है हमारे मारवाड़ की, और छोटे परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने जा रहे हैं, क्या आप विचार बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे मेरी सारी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यह भी एक सुखद संयोग है कि मेरी शुभकामना देने का माध्यम जो बन रहा है रेडियो वी 90.8 एफएम, उसकी डायरेक्टर भी महिला है। उन डायरेक्टर महोदया मधु जी को भी बहुत बहुत महिला दिवस की शुभकामनाएं बधाई, और संयोग से हमारे जालौर की कलेक्टर भी महिला है, एडिशनल एसपी भी महिला है। तो अब महिलाएं पीछे नहीं। अनिल जी, मैं जो महसूस करता हूं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सारा चल रहा है हजारों साल से इस देश में, किताबों में लिखा है, कहानियां भी सुनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं को ग्लैमराइज करने वाली, महिलाओं का नाम ऊंचा करने वाली कथाएं भी हमने बहुत सुनी है, भाषणों में, लेखों में ये सब बहुत मिलता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में जितना सम्मान एक महिला का होना चाहिए वो शायद नहीं हो पाता। बिल्कुल सही, खरी बात। वो करने की जरूरत है। सिद्धांत अपनी जगह है, व्यवहार अपनी जगह है, और वो यदि नहीं कर पाते अपन तो फिर वो दुर्योधन वाली स्थिति हो जाती है जी। दुर्योधन के अंतिम समय में उसको किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारी और पांडवों की शिक्षा दीक्षा एक जैसी हो, फिर तुम ऐसे ये गलत कामों में क्यों लग गए, क्यों संदेह पांडव क्यों नहीं लगे जी। तो दुर्योधन ने मरते समय आदमी सच बोलता है, उसने जवाब दिया कि जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति, धर्म क्या है मुझे उतना ही पता है जितना युधिष्ठिर को पता है, लेकिन उस पर चलने की मेरी आदत नहीं है, प्रवृत्ति नहीं, स्वभाव नहीं। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म क्या है वो भी मुझे पता है, गलत क्या है वो भी मुझे पता है, पर गलत से बचने का मेरा स्वभाव। तो इस दुर्गुण से लगभग पूरा पुरुष समाज खासकर भारत का जी ग्रसित है, ग्रसित है। वो जवान से तो महिलाओं की बहुत तारीफ करेगा, लेकिन व्यवहार में वो महिलाओं को अपमानित करता ज्यादा है, दुखी ज्यादा करता है, कष्ट ज्यादा देता है, उनको सम्मान और बहुत कम देता है। ये एक बहुत समझने की बात है और व्यवहार में लाने की बात है। मैं चाहूंगा कि आज के दिन सारे पुरुषों को संकल्प लेना चाहिए कि वो ईमानदारी से तन मन से सबका सम्मान करें महिलाओं का, और जो उनका वाजिब हक है जिसके लायक वो है उनको वो मिलना चाहिए, उसका उनको अवसर मिले, अपनी योग्यता क्षमता दिखाने का उनको अवसर मिले, जैसे आपने अपने परिवार में कर रखा है जी। बहुत आदर्श मानता हूँ मैं आपके परिवार को कि अपने अपने हर सदस्य, परिवार के हर सदस्य की प्रतिभा को, चाहे महिला है, योग्यता प्रतिभा है, वो हाँ उसको एक्सपोजर दिया, उनको अवसर दिया। जैसे ख्याति की भी बात कर रहे थे जी, कुछ दिन पहले आपने ख्याति का इंटरव्यू कूड़ों में ब्रॉडकास्ट किया था, कूड़ों में लेकर आई वो सिल्वर मेडल लेकर, तो ख्याति क्यों ख्याति बन पाई, क्यों वहां तक सोलन हिमाचल तक पहुंची, उसके माँ बाप ने उसको छोटा सा गांव देवकी, वहां से निकली और 26 जनवरी की परेड में दिल्ली के जनपथ पर अपने प्लाटून को कमांड कर रही है वो, और जिस बुलंद आवाज में उसने जो कमांड दिया है वो सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदमी भी इतनी बुलंद आवाज में नहीं बोल सकता, उतने बुलंद आवाज में लड़की ने बोला है, तो प्रतिभा थी उसके पास, लेकिन हम अवसर नहीं दे रहे थे। और आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया, इस बार ये मोदी इफेक्ट है कि 26 जनवरी पे लगभग हर
परेड के नेतृत्व में या तो अकेली महिला थी नहीं तो पुरुष और महिला दोनों थी। जो 26 जनवरी का यहाँ अभी जो परेड निकली है उसमें भी एक जो प्लाटून था वो केवल महिला केवल महिलाओं का। हाँ, तो ये पहली बार हो रहा है, थोड़ा सा नवाचार करते हैं। मैं एक महिलाओं को रियल अवसर अब मिल रहा है सेना में जी। हाँ, सेवा के लिए तो महिलाएं आती थी, नर्स के रूप में, डॉक्टर के रूप में आती थी, लेकिन कमीशन्ड अफसर के रूप में पहली बार इस बार महिला आई है 2021 में। आई थिंक 15 या 16 को लड़की आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। प्रकृति और पुरुष की अपन जैसे कोई सनातन संस्कृति की बात करें तो उसमें प्रकृति और पुरुष माना गया है, तो प्रकृति जो महिलाओं के लिए कहा गया है उसकी निश्चित रूप से भागीदारी रहती है। देखिए घर का जो संचालन है वो महिला करती है और उसके काम की कीमत का कहीं पैसों में आकलन नहीं होता, इसको आप किस दृष्टि से देखिए। प्रकृति में भी आप देखिए शेर टाइगर है चाहे पैंथर है चाहे लायन है जी। शेर लगभग नहीं करता शिकार नहीं करता, शेर नहीं करता, शेर ने बेचारे शिकार करके लाती है, अपने बच्चों के लिए लाती है, खुद के लिए लाती है, और जैसे ही वो लेकर आती है तब उस पर अधिकार हो जाता है। सबसे पहले शेर आएगा, पहले वो अपना पेट भरेगा, फिर शेरनी को छूने देता है जी। ये पुरुष प्रवृत्ति है, ठीक है, ये प्रकृति प्रदत्त है, ये प्रकृति प्रदत्त है जी। प्रकृति निष्ठुर है, कठोर है, प्रकृति प्रदत्त है, ये पुरुषों को स्वभाव में ऐसी आक्रामकता समझ लीजिए या स्वार्थपरायणता निर्लजता मुझे कहता हूं, लेकिन वो तो पशु है भाई, आप तो इंसान है, वो कपड़े नहीं पहनता, आप कपड़े पहन रहे हो, वो हाथ धो के खाना नहीं करता, हाथ धो के खाना खा रहे हो। तो पशु जब बाकी सारी चीजें आपने उनसे बदली है, उनसे सुधार किया है, तो इसमें भी इस प्रवृत्ति में भी इस आक्रामक प्रवृत्ति में भी हमको सुधार करना चाहिए। और महिलाएं, मैं फिर कह रहा हूं कि आज भी हमारे घर में महिला चाहे वो नौकरी कर रही है तो भी, व्यापार कर रही है तो भी, और कुछ नहीं कर रही है घर में है, घरेलू है तो भी, पुरुष से ज्यादा काम करती है। बिल्कुल, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो उसकी कोई गिनती आर्थिक आकलन नहीं है। इसके लिए कोई क्या कोई आपके मन में विचार आता है कि किस तरह से किया जाए कि उनके जो काम को खाना बनाना, कपड़े साफ करना, बच्चों को रखना, घर को सही रखना और परिवार को लेकर के संचालित करना, कैसे उसका आकलन किया जाए? लोग पैसे से हर चीज का आकलन करते हैं, क्या ऐसी विधि? पैसे का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो ठीक है जी, लेकिन देखिए पैसा कमाना, पति भी अध्यापक है, पत्नी भी अध्यापक है, 70,000-80,000 लाख रुपया उसको मिल रहा है, उतना उसको भी मिल रहा है, बराबरी होगी। तो फिर जब घर की कमाई में बराबरी है तो घर के काम में बराबरी करो ना। घर आने के बाद जो जो अध्यापक पति है वो तो जाके लेटेगा और पति को कहेगा चाय बनाए के बहुत थके, अरे वो भी तो थकी है, तो वो नौकरी नहीं करता, ठीक है। मान लो वो नौकरी नहीं कर रही है, मैं जानता हूँ मेरे मेरे मित्र की बेटी है, डॉक्टर है, बहुत सीनियर डॉक्टर है, नियोनेटल सर्जन जी, बिल्कुल जो नवजात बच्चों के लिए, नवजात बच्चों की सर्जरी के एक्सपर्ट है वो, पुणे में है, वर्षा सोनी जी। वो मुझे अभी भी, वो मेरे मित्र यहाँ आए थे, पर किरण जो जादव की बेटी है जी, किरण सोनी आए थे, तो मुझे उन्होंने बताया कि वर्षा ने लंबी छुट्टी ले रखी या नौकरी छोड़ दिया, क्यों? बोले उसके छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी केयर करनी है, बच्ची की बच्चियों की केयर करने के लिए मां ने नौकरी छोड़ी है, जिसमें 2-2.5 लाख रुपए आपको तनख्वाह मिल रही होगी, पति भी डॉक्टर है। हाँ। वो कर रहा है, उसको बहुत समझाया कि इतनी बड़ी नौकरी क्यों छोड़ रही है, बोले नहीं मेरे लिए मेरी बच्चियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, संस्कार वहीं से। ये भावना बच्चों के प्रति बाप की क्यों नहीं होती, और जो नहीं होती है कोई बात नहीं, पर जो रख रहा है उसकी वैल्यू तो करो, कीमत तो करो, हम वो भी नहीं कर पाते। हम जब वो जब घर में आपके बच्चों को संभाल रही है, बच्चों को संस्कार दे रही है, बच्चों को समय पर खाना पीना दे रही है, समय पर नहलाना धुलाना कर रही है, समय पर उनको स्कूल भेज रही है, और वो बच्चे को शानदार एक व्यक्तित्व बनाकर खड़ा करती है, उसकी कीमत यदि आप हो गए ना, आप जो तनख्वाह लाते हो या व्यापार से कमा के लाते हो वो उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन जब उसकी क्रेडिट देने की बारी आती है, क्या करती हो तुम? दिन भर घर में बैठे हो, कुछ नहीं काम तुम्हारे, तो इसको केवल बस औपचारिक नहीं मनाए, और जो आज मन से रेस्पेक्ट होना चाहिए, मन से आदर होना चाहिए, मन से एप्रिसिएशन होना चाहिए। केवल एक महिला को केवल इतना ही चाहिए कि उसको
दिन भर की थकान भर शाम को उसका पति ये कह दे, अरे यार बहुत काम किया, छठ गई होगी, चलो ये छोटा सा काम मैं कर लेता हूँ, सो जा तू, उसकी सारी थकान उतर जाएगी। पर हम उससे वो भी नहीं कह पाते हम, ये पुरुष प्रधान निष्ठुर राष्ट्र है और कहीं ना कहीं अपन को इसमें बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। ये निष्ठुरता, मैंने उदाहरण दिया शेरों का बगैरों का, ये उस पशुत्व के निशानी, आप मान सम्मान देते हो वो इंसानियत है, वो संस्कार की निशानी है, वो संस्कार हमें पैदा हो रहे हैं और ज्यादा होने की जरूरत है, अंदर से हृदय से पैदा होने की आवश्यकता है, दिखावती नहीं, बनावती नहीं, भाषणों में नहीं, लेखों में नहीं, कविताओं में नहीं, वास्तविक जीवन में मान सम्मान को मिले। मैं महिलाओं के सम्मान में आज महिला दिवस पे दो शेर कहना चाहता हूँ। एक शेर तो ये है कि सुनो कभी सीता के मुख से, सुनो कभी सीता के मुख से, रामायण की कथा अलग है, रामायण की कथा अलग है, और धर्मराज तो महिमा मंडित जी, युधिष्ठिर जी जिसने पत्नी को दांव पे लगा दिया, दांव पे लगा दिया, धर्मराज तो महिमा मंडित, द्रौपदियों की व्यथा अलग, व्यथा अलग है, बिल्कुल। ये जो अंतर है, इस अंतर को समझने की आवश्यकता है और इस अंतर को पाटने की आवश्यकता है, इस अंतर को बिल्कुल, मैं राम तो राम थे, खैर आदर्श थे, सब कुछ थे, मैं उनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, सब कुछ है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक राम को भगवान के रूप से थोड़ा बाहर निकाले दी जी। और एक पति के रूप में यदि मैं देखता हूँ तो ठीक है, सीता पे आरोप लगा जिसने भी लगाया जी। राम को पता था कि आरोप गलत है जी। उनको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, सही है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, नहीं किया उन्होंने प्रोटेक्ट, उनको वनवास दिया, वनवास के बाद भी, वनवास पूरा हो गया, बच्चों को भी उसने बड़ा कर दिया, योग्य बना दिया, जंगल में रहकर, जंगल के में रहकर भी उसने अपने दोनों बच्चों को इतना योग्य बना दिया कि वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का मुकाबला करने लायक हो गए। उसके बाद अपनी देखा होगा, खुद ये वाल्मीकि ऋषि खुद आके राम को कहते हैं कि अब तुमको इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए, राम नहीं कर पाए, और तब सीता को धरती में समाना पड़ा। तो ये एक सीता व्यावहारिक रूप में वास्तव में धरती में समा गई थी। आज की महिलाएं रोज धरती में गाड़ी जा रही है, सिर्फ अपमानित करके, उपेक्षित करके, कुछ नहीं लगता उसमें, उनका सम्मान करना है, उनकी ठीक से हाँ स्वीकार करने में, शाबाशी देने में कुछ नहीं लगता, पैसा नहीं लगता उसमें, फिर भी हम नहीं दे पाते और वो घुटती रहती है, और उससे उनकी कार्य क्षमता पर असर पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, मानसिक शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। उसकी चिंता हम पुरुष जगत को करनी चाहिए और अपना मन बड़ा करके उनके बड़प्पन को भी स्वीकार करना चाहिए, अपने ईगो को थोड़ा सा अहंकार, अपने अहंकार को शांत रखते हुए महिला की तारीफ करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। महिला की तारीफ हम नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते कि उसकी तारीफ करूंगा तो फिर मैं हल्का लग जाऊंगा, उस चिंता को छोड़ के प्रधान रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, आप पधारे और आपने हमको बहुत बड़ी बात कही। एक शेर मुझे भी याद आ गया, खुद से ही, जिसे कहते हैं कि होशियारी मेरे कुछ सोता शायद इस शब्द को नहीं समझ पा रहे, आप तो उर्दू की कहता है जानते हैं, खुद सली आह मुझे कुछ करने नहीं देती, वरना बहुत आसान है बंदे का खुदा हो जाना, अपनी होशियारी आदमी छोड़ दे तो निश्चित रूप से। और बुद्ध के लिए भी कहा गया है, कवि ने लिखा है कि जब बुद्ध रात को बिना बताए अपनी पत्नी को चले गए, तब उसने, कवि ने लिखा, अपने भाव लिखे कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, फूल बिछाती मैं राहों में, और उनका सम्मान करके और मैं खुद उनको भेज दी। तो कहीं बुद्ध होने के पीछे भी कहीं कहीं किसी महिला को त्रासदी मिली है। चलिए सुनते रहिए इसी तरह से हमारी ये वार्ता रेडियो वीवन 90.8 एफएम पर, और हमारे साथ आज थे हमारे लोकप्रिय विधायक और विभिन्न कला और संस्कृति से जुड़े हुए कवि हृदय श्री जोगेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो वीवन 90.8 एफएम के श्रोताओं को और इनके डायरेक्टर महोदय को, एक बार फिर महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।